डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फिफ्थ कंप्यूटर सब्जेक्ट से चैप्टर 4 लाइन एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड 2010। इससे पहले हमने क्लास फोर्थ तक के कंप्यूटर प्रैक्टिकल अपने वीडियो डाले हैं जो CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आज हम क्लास फिफ्थ के चैप्टर 4 के प्रैक्टिकल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखेंगे लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंट, टैब एंड टैब सेलेक्टर। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम नेक्स्ट पेज पर जाके एक पैराग्राफ ले लेंगे। पैराग्राफ लेकर फिर आपसे हम आगे बताते हैं कि किस प्रकार हम पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। अब हमने ये पैराग्राफ ले लिए हैं। अब इस पर आप देख सकते हैं, ये हमारा पैराग्राफ है। इसकी हम साइज छोटी कर लेते हैं और यहाँ से इसकी साइज हम 12 कर लेते हैं। देखिए, जनरली बुक्स में फॉर्मेटिंग जो है 12 रहती है, 12 या 14 इंग्लिश फॉर्मेटिंग रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम लाइन स्पेस देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं हर लाइंस के बीच डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले हम लाइन स्पेसिंग सीखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ देखेंगे। तो इसको हम सेलेक्ट करके सेम साइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाकर एरियल फॉन्ट लेते हैं और सेम साइज सबकी कर लेते हैं। मान लीजिए इसकी हम 16 ले लेते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं ये लाइन गैपिंग कितनी चाहिए। सबसे पहले इस लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं, दो लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और लाइन स्पेस देखने के लिए ये आप पैराग्राफ ऑप्शन पर जाकर यहाँ से लाइन स्पेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 1.0 अभी स्पेस है। अगर स्पेस हम 1.15 करते हैं तो हमारी गैपिंग देख रहे हैं हर दो लाइन के बीच गैप को दिख रही है। बच्चों, अगर 1.5 हम लेते हैं तो देखिए दो लाइन के बीच इतनी स्पेस है। 2.0 लेते हैं तो उससे ज़्यादा हो जाती है, 2.5 एंड 3.0, यानी हर दो लाइन के बीच स्पेस हम यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए अभी हम 1.15 हम ले लेते हैं, ये जो हमने सेलेक्ट किया है इसमें 1.15 आ चुका है। अगर हम 2 लेते हैं तो देखिए ये हर लाइन के बीच इतनी डिस्टेंस आ चुकी है। अब इसी प्रकार इसके हम लाइन जो है देख चुके हैं, हर लाइन के बीच कितनी स्पेस हो सकती है और पैराग्राफ में हम कैसे ले सकते हैं। आप अगर इतनी लाइन स्पेस है तो एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, ये लाइन स्पेस पर हम क्लिक करके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक करके बिफोर और आफ्टर दोनों हम 0 भी कर सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं, 0 कर सकते हैं। 0 करने पर ये ज़्यादा चिपका हुआ आ जाता है। देखिए 1.1 लेने से यहाँ आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मान लो 1.15 ले लिए और अगर इसको और लाइन स्पेस कम करना है तो हम लाइन स्पेस ऑप्शन पर जाकर दोनों को हम 0 भी कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये स्पेस और कम हो जाएगा, या फिर यहाँ से हम 1.1 भी ले सकते हैं। अब हम लिखेंगे इंडेंट। इंडेंट क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। इंडेंट डिस्क्राइब द डिस्टेंस ऑफ लाइन एंड पैराग्राफ फ्रॉम मार्जिन इंडेंट एंड 4 टाइप। इंडेंट हमारा 4 टाइप का होता है, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट। ये हमारा लेफ्ट इंडेंट है, इसको सेलेक्ट करके हम अब आपको इंडेंट दिखाएंगे। पैराग्राफ बॉक्स में ही जाकर हम ये कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद हम इंडेंट एंड स्पेस ऑप्शन पर जाते हैं और नीचे जो है ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर आते हैं। लाइन स्पेस ऑप्शन पर आने के बाद ये हमारा इंडेंट ऑप्शन है, इस पर जाकर स्पेशल पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट लाइन अगर हमको लेना है तो फर्स्ट लाइन क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन ये सिर्फ 0.5 जितना भी इंडेंट हम लेते हैं उतना हमारा फर्स्ट लाइन आगे ड्रॉ हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम वापस जाते हैं और इंडेंटेशन पे हम हमारा लेफ्ट अभी 0 रखा हुआ है और हम जाते हैं हैंगिंग पर। हैंगिंग पर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट लाइन जो है आपका हैंग टाइप का हो जाता है और आगे के लाइन जो है सेम ऑप्शंस में आ जाते हैं।
और फर्स्ट लाइन इंडेंट आप देख चुके हो, वापस से हम देखते हैं। यहाँ पर क्लिक किया और इंडेंट ऑप्शन पर जाके फर्स्ट लाइन करते हैं और ओके करते हैं, तो ये फर्स्ट लाइन हमारा आगे का सब चलता है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं टैब्स की का यूज़, टैब्स की का यूज़ कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम लिखते हैं स्ट्रेट, अब हम टैब्स की कीबोर्ड से टैब्स की लेंगे। मान लो हमने 1 2 3 4 टैब्स की लेकर यहाँ पर हमने लिखा कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट हम नीचे आते हैं, तो नीचे आने पर हम टैब्स की लेने पर ये कैपिटल जो है, सॉरी कैपिटल एक के नीचे एक आपका आ जाता है। जैसे हमने बिहार लिया, फिर कैप्स लॉक कीबोर्ड की मदद से प्रेस करेंगे। अब देखिए इसके जस्ट नीचे ही हमारा लाइनिंग चलती है, जिसमें क्या होता है हमें सेटिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हम नेक्स्ट लाइन लेते हैं और फिर यहाँ पर अगर हम कुछ करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं मध्य प्रदेश, अब यहाँ पे मध्य प्रदेश यहाँ तक लिखा चुका है। फिर हम टैब्स की यूज़ करेंगे तो यहाँ पर दो टैब्स की में ही हम उसके नीचे पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हमने कैपिटल इसके लिख दिए भोपाल, यानी टैब्स की लगाने पर हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो एक लाइन में आ जाता है और उसमें ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी पड़ती है। तो टैब्स की जो है आप यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी हम ऑप्शन पर क्लिक करके टैब्स की लगा सकते हैं। यहाँ पर टैब्स की ऑप्शन आता है जिसमें आपको जितना 0.5 डिफ़ॉल्ट रहता है और लेफ्ट से रहता है, आप जितना भी लगाना चाहें, सेंटर पर लगाना चाहें तो सेंटर पर आप ओके कर सकते हैं। तो ये टैब्स की आपका सेंटर पर लग जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टाइप हो जाती है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।